है। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलिए या फिर इसको लिंकेज कहिए। ठीक है, आजकल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टर्म में बहुत ज्यादा बोला जाता है। हम सब जानते हैं कि दो सुगर मॉलिक्यूल जो है वह आपस में जुड़ता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, फिर इससे भी जुड़ सकता है और सुगर मॉलिक्यूल एंड सो ऑन, बहुत सारा। तो ये जो लिंकेज है, ये जो बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब कोई सुगर अगर लोगे तो सुगर का OH, दूसरे सुगर का भी OH, ठीक है ना, ये आपस में इस प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और रिजल्ट होता है कि सुगर के साथ सुगर जुड़ जाता है, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो चूंकि इसमें वाटर निकल जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एनहाइड्रिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? एनहाइड्रिक बॉन्ड कहते हैं। तो दो या दो से ज्यादा सुगर एक दूसरे से बाइंड करेंगे और उसके कारण एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होगा, अगर एक बॉन्ड बन रहा है तो, और दिस इज कॉल्ड एनहाइड्रिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो एनहाइड्रिक बॉन्ड। अब कोई भी अगर मान लो कि सुगर हम लेते हैं, अगर एक हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH, आप सब अभ्यास किए होंगे, बाकी मेरे वीडियोस भी देखते होंगे, छूट गया होगा तो वीडियोस देख लो, उससे पता कर लो। देखो, ये कुल हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। अगर इसमें OH देखें, एक यहां पर है फर्स्ट पोजीशन पर, एक सेकंड पोजीशन पर है, एक थर्ड पोजीशन पर है, एक फोर्थ पोजीशन पर है और एक सिक्स्थ पोजीशन पर है। इतने सारे हमारे पास पोजीशंस हैं। तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फाइव पर तो नहीं है, यहां सिक्स। तो अगर हम लोग OH को देखें, हाइड्रोक्साइल ग्रुप को, ये कौन कौन कार्बन पर है? C1, C2, C3, C4 एंड C6। पोजीशन याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है उसके लिए कितने साइट्स हैं? ये पांचों साइट्स हैं जहां पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो सकता है। कहने का मतलब है इस OH से भी एक सुगर जुड़ सकता है, इस OH से भी एक सुगर जुड़ सकता है, तो इस OH से भी एक सुगर जुड़ सकता है, चौथे पोजीशन पर जो सुगर है उससे भी एक सुगर जुड़ सकता है, OH से जुड़ सकता है, और छठवें पोजीशन से भी सुगर जुड़ सकता है। एक ग्लूकोज में ही देख लीजिए तो फाइव पोटेंशियल साइट्स हैं जहां पर कि दूसरा सुगर जुड़ सकता है। तो ऐसे में अगर हमको कोई बोलेगा सुगर टू सुगर लिंकेज हुआ है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो मेरे मन में सवाल बहुत बड़ा आएगा। क्या सवाल आएगा? इसका कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर कौन सा इसका, इसके कार्बन नंबर के कौन से कार्बन नंबर से जुड़ रहा है? तब लोगों ने कहा कि ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हम लोग कार्बन नंबर से निरूपित करेंगे। क्या करेंगे? कार्बन नंबर से निरूपित करेंगे। मान लो कि इसका पहला OH कार्बन नंबर वन का OH और इस सुगर का कार्बन नंबर फोर का OH से बॉन्ड करेगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे करके लिखना शुरू हुआ, हम लोग ऐसे लिखेंगे तो 1,4 से क्या पता चलेगा कि एक कार्बन का, एक सुगर का पहला कार्बन और दूसरे सुगर का चौथा कार्बन के बीच में यह लिंकेज एस्टैब्लिश हुआ है। अगर वहीं पर पहला के साथ दूसरा जुड़े तो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अगर उसके साथ छठवा जुड़े तो 1,6 ग्लाइक, मतलब कि ये नंबर जो है निरूपित करता है कि दोनों सुगर में किस किस पोजीशन का OH जो है वो आपस में जुड़ता है।
अब देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में अगर हम लोग देखें कि कैसे ये होता है, किस प्रकार से इसका इसकी घटना होती है, और सर आपने 1:2 तीर का निशान देकर 4 क्यों लिखा, आपने क्यों नहीं ऐसे लिखा कि 1 और उल्टा करके तीर का निशान 4, आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, आपने ऐसे ही क्यों लिखा। अभी आप जब इस चीज को पढ़ेंगे तो लगेगा कि कितनी बारीक और सिंपल सी जानकारियां हैं जो शायद हम कहीं मिस कर जाते हैं। देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म वो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये अब देखो यदि ये हम बोले तो किस कार्बन का OH ने किस कार्बन के OH पर अटैक किया है, तो तीर का निशान यही निरूपित करता है, 1 ने 4 पर अटैक किया। अगर 4 ने 1 पर किया रहता तो ऐसे हम लोग इसको लिखते कि 4 ने 1 पर अटैक किया है, तीर का निशान न्यूक्लियोफिलिक अटैक को निरूपित करता है। अब मन में आएगा कि सर एक डायग्राम देकर हम लोग को थोड़ा सा बताइए। चलिए आप लोग भी कलम चलाइए और एक ग्लूकोज का 2 स्ट्रक्चर बनाइए अगल बगल में। ये सब जो पढ़ाया है ये ग्रेजुएशन में ही होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो ये बन रहा है स्ट्रक्चर, पूरा नाम क्या होगा, कंप्लीट साइंटिफिक नाम अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। अल्फा डी ग्लूको पायरानोज में कौन कौन सी बातें छुपी हुई हैं, अल्फा अल्फा कार्बन रिंग के पहले कार्बन पर OH के डायरेक्शन को प्रेजेंट करता है अल्फा। डी जो है इसके ऑप्टिकल फॉर्म को इंडिकेट करता है कि मोस्टली जो OH होते हैं वो डी साइड में, ठीक है। ग्लूको मतलब ग्लूकोज को कहते हैं, और पैरानोज जो है वह इस रिंग को जो है पैरानोज कहते हैं। प्रीवियस क्लास वीडियोज जो है उसमें देखेंगे उसमें एकदम सिखाया गया है कि पैरानोज रिंग क्या होता है और फुरानोज रिंग क्या होता है। तनिक भी कंफ्यूजन हो रिविजिट करें, तुरंत देखें। इसका नाम हो गया ग्लूको पैरानोज, अल्फा डी ग्लूको पैरानोज हो गया। अब एक और हमें हमने कहा कहा क्या एक और हमें बनाना है, इसी तरह का एक सुगर हम बनाते हैं, एक और ग्लूकोज। जितना करोगे अभ्यास हैंड्स ऑन प्रैक्टिस उतना बनोगे एक्सपर्ट। देयर इज नो शॉर्टकट, बट अगर आप पूरा प्रैक्टिस करते हैं तो आप शॉर्टकट के आपके दिमाग में ये सब डायग्राम रहेगा। सभी विद्यार्थी देखिए इसको नंबरिंग करते हैं, 4, 5 and 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब हमको इस सुगर का अल्फा डी ग्लूकोज का, और ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं ग्लूको पैरानोज, दोनों एक ही जैसा है पैरानोज, इन दोनों के बीच हमारा मानना है कि इसका पहला कार्बन पर जो OH है और इसके चौथे कार्बन पर जो OH है इनके बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, सब लोग सावधानी से देखना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, है ना, इसको एकदम हल्के फुल्के नहीं लेना है। अब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो हमको लगा कि हाँ ये ठीक है, ऐसे और ऐसे ये निकाल देते। तो अगले विद्यार्थी ने कहा सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इसका OH ले लें और इसका सिर्फ हाइड्रोजन ले लें, ऐसे भी तो हो सकता है।
देखिए छोटी सी बात है लेकिन कितनी पैनापन है इस बात में, कितनी चुनौती है इस बात में। अरे बाबा, ये तो दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है ना, दोनों में से कोई हो सकता है। तब हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना कि स्मार्ट को स्मार्टली ही आंसर करना चाहिए। कोई चीज अगर बहुत तरीके से हमसे पूछा गया है, जिसको बोलते हैं गहराई से पूछा जा रहा है, उसकी उत्तर जो है ना वो गहराई में ही बात छुपी रहती है। अब देखो हम क्या हुए, स्मार्ट हो गए। हमने कहा कि सर ऐसा है ना, इस ऑक्सीजन पर जो लोन पर इलेक्ट्रॉन है, इसने इस कार्बन पर अटैक किया, ठीक है। अगर इसने इस कार्बन पर अटैक किया है तो यहां का OH निकलेगा, ठीक है। अब देखो पलट देते हैं, नहीं सर, इस OH का जो न्यूक्लियोफाइल है उसने इस कार्बन पर अटैक किया, इस कार्बन का OH निकलेगा। क्लियर है, किसी कुछ पूछना है इसमें पूछो, क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। गुड। इसका मतलब है कि जब भी हम इस तरह का, अभी तो मान लो उतना हम नहीं बोलेंगे कि आप एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस जाइए, लेकिन बड़ा प्लेन सा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। मेरे जैसा एक्सपर्ट रहेगा, इसी चीज को डायग्राम बना के पूछेगा। मान लो हमने कहा क्या कहा, हमको अच्छा लगा, हमने इसको ऐसे करके अलग कर, ठीक है, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस घटना के पीछे हमारी लॉजिक होनी चाहिए कि सर C1 का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, उसने अटैक किया C4 न्यूक्लियस पर, तभी यहां का OH और यहां का H निकला। हमेशा याद रखियो ये OH है और इधर भी कार्बन के साथ OH है, कार्बन और उससे जुड़ा हुआ है OH। इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है अगर इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये OH टूटकर बाहर निकलेगा, और ये हाइड्रोजन जो है, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी न्यूक्लियोफाइल करेगा तो क्या करेगा, अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रख के करेगा, ये जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाता है एच प्लस के रूप में, ये जो OH है वो बाहर निकलता है OH माइनस के रूप में, और जब दोनों साथ में आते हैं तो बनते हैं H2O। या हम थोड़ा सा और भी सिंपल एकदम लेमैन्स लैंग्वेज समझाएं, ये H आया और ये OH आया, आपस में जुड़ा तो H2O बना। तो इस प्रकार से कोई भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा वह इसी फॉर्मेट को फॉलो करता है। तो अभी जो आपने देखा वो क्या देखा, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर से एक बार हम लोग चलते हैं और बनाते हैं एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा हम जल्दी से बना रहे हैं, तो ऐसे हमने कहा कि ये ओ और ऐसे दूसरा ग्लूकोज। बढ़िया। अब मैं अभी इसको बहुत भरूंगा नहीं, चूंकि इट विल टेक मेनी। तो यहां हाइड्रोजन है, यहां है, अब ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है। यहां पर हम दिखा दें CH2OH, ठीक है, आप अपना भरते रहिएगा, भर दीजिएगा इसको जैसे। अब कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4, तो नाम पड़ा 1, चूंकि 1 ने ही अटैक किया 4 पर, तीर का निशान 4, ठीक है। ये दोनों अल्फा सुगर है, हम बोलते हैं अल्फा, दोनों डी सुगर हैं, दोनों डी, अल्फा डी, और ग्लाइकोसिडिक, क्योंकि दोनों ग्लूकोज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ऐसे पूरा लिखा जाता है। हमेशा याद रखियो, पढ़ाने लिखाने का माध्यम होता है विद्यार्थियों के लिए चीजों को सिंप्लीफाई करना, ना कि कॉम्प्लिकेटेड करना। अगर टीचर बोले बाप रे ये तो बहुत भारी टॉपिक है, पता नहीं तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब है कि टीचर के लिए वो भारी टॉपिक, विद्यार्थी तो बैठा हुआ लेने के लिए, बताइए ना सर समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे, आप बता दीजिए हम लोग। अब जो ये नाम है, ऐसे ही नाम नहीं हो गया। 1,4 क्या बता रहा है कि एक सुगर का पहला कार्बन और दूसरे सुगर का चौथा कार्बन के बीच यह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है। तीर का निशान क्या बता रहा है कि 1 का जो ओ ऑक्सीजन है उसने अटैक किया 4th के कार्बन पर, क्लियर कट। अल्फा मतलब क्या हो गया कि दोनों ही अल्फा सुगर हैं,
डी मतलब क्या है, दोनों का ऑप्टिकल फॉर्म क्या है, डी है, और तब जो है बॉन्ड का नाम पड़ा, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कुछ भी लिखा रहता है विद्यार्थी, उसका एक स्पष्ट मतलब होता है, और वो स्पष्ट मतलब जितने अच्छे से समझ में आए हमारा एक्सप्लेनेशन भी उतना ही बेहतरीन होता है, और हम सुपरहिट हो जाते हैं। हम कभी भी कहीं हमको अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम बड़े ठाट से एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ भाई इसका ये मतलब होता है, और आपको गहराई से ये भी एहसास होता है कि ये जो लिंकेज है ना, ये ऐसे ही मजाक में नहीं लिख दिया गया है, 1,4 अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके लिखने के पीछे जो कारण है वह कारण यह है कि कौन सा कार्बन कौन सा क्या, एवरीथिंग इज रिटन है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग टू बी नोन। ओके, किसी कुछ पूछना है? क्या आगे बढ़े हम? ठीक है। हेलो सर। हाँ जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है अल्फा डी ग्लूकोस, ग्लूको पैरानोस प्लस बीटा डी, बीटा डी ग्लूको पैरानोस। इन दोनों में ग्लूको पैरानोस कॉमन है, दोनों डी फॉर्म में है, कॉमन है, डिफरेंस कहां है, अल्फा और बीटा। ओरिएंटेशन सिर्फ एक जगह बदलने से हो जाता है। अगर हम झटपट बनाए डायग्राम, अब हम उतना डिटेल नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ समझाने के लिए बनाएंगे, तो हम ऐसे ही बना सकते हैं डायग्राम, ठीक है ना। देखो कई तरीके से मैं बना रहा हूं। ओके हाँ, और यहां हम दिखा दे रहे हैं कि ये OH इधर, ठीक है, यहां एक लकीर दे दो क्योंकि छठवां कार्बन दिखने रहा है। अब यहां पर जो है ये फर्स्ट कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर रहने के कारण ये हो गया बीटा डी ग्लूको पैरानोस, और ये हो गया अल्फा डी ग्लूको पैरानोस। इसका बॉन्ड 1- तीर का निशान, 4 अल्फा बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर कट बता दिया कि भाई 1,4 मतलब पहला कार्बन चौथे कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। पहला कार्बन है अल्फा सुगर का, चौथा कार्बन है बीटा सुगर का, दोनों का ओरिएंटेशन एक ही है, यह हो गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आजकल मॉडर्न टाइम में इसको एक और नाम से लोग आजकल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को लिखते हैं। देखो कैसे लिखते हैं और विद्यार्थी क्यों पढ़ना छोड़ देता है, ठीक है ना। बायोलॉजी वाले को समझना चाहिए ना कि हमारा विद्यार्थी अंग्रेजी समझने में ज्यादा समय बिताता है। अल्फा डी ग्लूको पैरानोसाइल डैश बीटा डी ग्लूको पैरानोसाइट, ये आजकल नाम दिया जाता है। अब ये मान लो कि एक विद्यार्थी जिसको एकदम बेसिक्स नहीं पता हो, वो क्या बोलेगा, तौबा तौबा ये क्या नाम है, लानत है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप समझेंगे, क्यों समझेंगे, क्योंकि आपने इसको डिटेल से पढ़ा है। अल्फा डी ग्लूको पैरानोसाइल मतलब ये सुगर, ठीक है, बीटा डी ग्लूको पैरानो ये सुगर, ठीक है, और ग्लाइकोसिडिक उससे बन गया साइड, काम खत्म। ये जो साइड है 1,4 हाँ, अब इसमें क्या है ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें ये नहीं बताया गया है कि 1 किसका है और 4 किसका है। तो कभी क्या कहते हैं इसमें,
ब्रैकेट वन फोर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को यहां भी यूज कर सकते हैं और लोग यहां पर भी यूज करते हैं वन फोर ब्रैकेट, ठीक है ना। द अल्फा डी ग्लूकोपेरानोसाइल वन फोर बीटा डी ग्लूकोपेरानोसाइल, ऐसे करके भी नाम लिखा जाता है। तो इस तरह से चीजों को लिखने में, अगर अब इतना इतना बड़ा विद्यार्थी कहां से लिखेगा, तो साइंटिस्ट ने कहा कि हाँ इट इज डिफिकल्ट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ग्लूकोस ब्रैकेट वन अल्फा तीर का निशान फोर बीटा ग्लूकोज, ऐसे भी अगर लिखोगे इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। आजकल शॉर्ट फॉर्म में जितने भी आप अच्छी किताबें देखेंगे उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसी प्रकार से लिखा रहता है, ठीक है। दोनों रिप्रेजेंटेटिव, ब्रैकेट में दोनों कार्बन का रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे करके लिखा जाता है। इसमें अब डी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अंडरस्टूड है कि बायोलॉजिकल साइंस में जो मोस्टली सुगर्स होते हैं वो डी सुगर होते हैं, एल सुगर नहीं के बराबर होते हैं। चलिए, आप लोगों ने काफी इसको इन डिटेल देखा। अब जो है आप लोग अपने घर में बनाइए, कुछ होमवर्क में दे देता हूं, आप इसको बनाइए। अल्फा डी ग्लूको पैरानोस प्लस बीटा डी फ्रुक्टो फ्रुक्टो पुरानोस, ठीक है। वन टू, हम ब्रैकेट में आपको दिखा दिए वन टू है, ठीक है। एक एग्जांपल ये है, दूसरा है अल्फा डी राइबो पुरानोस प्लस अल्फा डी गैलेक्टो पैरानोस, इसमें जो लिंकेज होगा वह है वन फोर, ठीक है। अभी दो आप बनाइए, होमवर्क में हम दो दे दे रहे हैं, दो आप बनाइए, लिख लीजिए सब लोग इसका नाम। जिसको नाम समझने में अभी भी तकलीफ होती है कि क्या लिखा हुआ है, मेरा शेयर किया हुआ वीडियो है उसको जरूर देखें, कार्बोहाइड्रेट वीडियो नंबर फोर एंड फाइव, वहां आपको इसका डिटेल मिलेगा क्यों ये नाम ऐसे लिखा हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को देखते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंक, इसको दो भागों में बांटा जाता है, दो प्रकार के ऐसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। पहला जो है वह है ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और दूसरा जो है वह है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पहला है ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में ऑक्सीजन बीच में कनेक्टर का काम करेगा, और दूसरा है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अर्थात कि ऑक्सीजन दो सुगर को या दो किसी भी यूनिट को जोड़ने में नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। अब ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किन किन के बीच में हो सकता है, पहला एन सुगर के बीच में हो सकता है। तो पहला जो फैमिली हुआ इसका वो हो गया सुगर सुगर फैमिली। दूसरा एक किसके बीच में हो सकता है, सुगर एंड प्रोटीन, ये हो गया सुगर प्रोटीन फैमिली। तीसरा ये किस में हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है सुगर एंड फैट, ग्लाइकोलिपिड होता है ना तो उसी में सुगर एंड फैट, ये तीन जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अंदर में देखे जाते हैं। फोर्थ जो है इसी सीरीज को हम बढ़ाते हैं, उसमें एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वह सुगर और प्रोटीन के बीच में दिखाया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड कि प्रोटीन में एन भी मिलता है और ओ भी मिलता है। और चौथ पांचवा जो है वह है सुगर वर्सेस सुगर एंड न्यूक्लियोटाइड, है ना, सुगर और न्यूक्लियोटाइड में। इस प्रकार से पांच कैटेगरी बांटे जाते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के। है इंटरेस्टिंग सर, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इतनी वैरायटीज दिखती हैं। सुगर एंड सुगर हम लोग देख चुके हैं, आइए हम लोग देखते हैं सुगर एंड प्रोटीन में कैसे होता है, ठीक है। सुगर एंड प्रोटीन को जोड़ रहे हैं,
तो सुगर में यूनिट क्या होता है? मोनोसेकराइड। और प्रोटीन में यूनिट क्या होता है? अमाइनो एसिड। मतलब यह जो इंट्रैक्शन हो किसके बीच में है? सुगर एंड अमाइनो एसिड। इसका जो जो टाइप है उसमें हम लोग पहला पॉइंट जो है उसमें लिखते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सुगर एंड प्रोटीन के बीच में, ऐसे। तो सुगर का OH और प्रोटीन का भी OH के बीच में यह संबंध होता है, प्रोटीन का OH। ये जो OH है वो किस अमाइनो एसिड का होता है? सेरीन या थ्रियोनिन रेसिड्यूज का। कहने का मतलब है कि प्रोटीन के अंदर में जो सेरीन और थ्रियोनिन होता है अमाइनो एसिड्स, उसमें जो OH होता है वह बाइंड करता है किसके साथ? सुगर के OH से। तो यह उसी प्रकार से बाइंडिंग करेगा जिस प्रकार से दो सुगर के बीच में, ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में, ग्लूकोज गैलेक्टोज कुछ भी, ठीक उसी प्रकार से यह भी बाइंड करता है। तो आपसे कभी भी पूछे कि सुगर और प्रोटीन में ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनेगा, आप कहेंगे सुगर का जो OH ग्रुप है हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स हैं सेरीन थ्रियोनिन दोनों में से कोई भी, उसका जो OH ग्रुप है उनके बीच में यह कार्य होता है। अब अगर इसका एक इमेज हम बनाए, एक डायग्राम बनाए, तो बड़ा सिंपल सा है। एक ग्लूकोज बना देते हैं, ठीक है, और इसका OH हो गया। मैं डायग्राम पूरा नहीं बना रहा, मैं ऐसे ही बना रहा हूं। प्लस HO CH2 CH, ठीक है, देखिए यह एक प्रोटीन है। यह प्रोटीन है जिसमें ऊपर भी जुड़ा हुआ है और नीचे भी जुड़ा हुआ है अनदर अमाइनो एसिड्स, हम ऐसे से अमाइनो एसिड्स लिख देते हैं, अमाइनो एसिड्स। और ये कौन सा अमाइनो एसिड है? इसे हम लोग बोल रहे हैं सेरीन रेसिड्यू, ये अमाइनो एसिड, ठीक है। अब मान लो कि इसी ने इसने अगर इस कार्बन पर अटैक कर दिया, इसका H और इसका OH टूटकर बाहर निकल जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? ये जो सुगर है यह सुगर किससे जुड़ जाएगा? हम लोग कहेंगे कि यह सुगर जो है यह जुड़ जाएगा इस अमाइनो एसिड, प्रोटीन के अमाइनो एसिड से। अब यह जो लिंकेज है इसको हम लोग कौन सा लिंकेज बोलेंगे? ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और यह जो है वह सुगर एंड अमाइनो एसिड प्रोटीन के बीच में बन गया। तो आप लोग जो सुनते हैं पढ़ते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, उस ग्लाइकोप्रोटीन में बहुत सारा बॉन्ड सुगर और प्रोटीन के बीच में इसी तरीके से होता है, ठीक है ना, इसी तरीके से होता है। अब देखो और सीखो और बुद्धि को करो बड़ा, ठीक है ना। देखो ये जो है ना, ये जो अमाइनो एसिड है इसका सीक्वेंस भी फिक्स रहता है कि किस सीक्वेंस में ये होगा। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका सीक्वेंस हम लोग देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस होते हैं उसमें ये होता है ग्लाइसिन, ये होता है सेरीन और ये होता है प्रोलीन। ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह का सेरीन जुड़ेगा, नहीं, सेरीन का सीक्वेंस क्या है? ग्लाइसिन सेरीन या थ्रियोनिन, ठीक है, एंड प्रोलीन। इस सीक्वेंस में जब रहता है यह सेरीन या थ्रियोनिन जो है वह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के लिए तत्पर रहता है। तो ये सीक्वेंस को हमेशा दिमाग में रखना है। अगर आपसे कोई भी पूछता है वो कौन सा सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का किसी भी प्रोटीन में जो ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना सकता है,
तो आंसर बोलेंगे हम लोग कि ग्लाइसिन सेरीन प्रोलीन या फिर ग्लाइसिन थ्रियोनिन प्रोलीन। अगर ये सीक्वेंस रहता है, ये जो सेरीन या थ्रियोनिन है यह सुगर से जुड़ सकता है, मतलब कोई भी नहीं जुड़ सकता है, कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पर रहेगा तभी जुड़ेगा। कितना इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहीं पर देख रहे हैं हम लोग कि सुगर और प्रोटीन में कौन सा लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब क्या होगा कि सुगर का OH और प्रोटीन का एमिनो ग्रुप, ठीक है, यह आपस में जुड़ेगा और जुड़कर क्या बनाएगा, यह अमाइनो एसिड हो गया और यह हो गया मोनोसैकेराइड, और ये आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपके मन में आएगा कि सर एक बताइए तो कैसे बनेगा। ये हो गया हमारा ग्लूकोज, ठीक है, और इस ग्लूकोज में हम लोग मान लो कि हम बीटा डी ग्लूकोज दे रहे हैं, थोड़ा सा बीटा वटा को भी जगह देना पड़ेगा ना। ये हो गया OH बीटा डी ग्लूकोज। अब एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है एस्पेराजाइन। क्या नाम है इसको, एस्पेराजाइन, पैराजाइन। एस्पेराजाइन कैसे बनता है, एच एन एच मतलब एनएच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच, और फिर इधर देख लीजिए देखिए ये सभी दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ, तो ये जो है ना यह एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। उसमें जो आप देख रहे हैं यह जो है, यह जो मॉलिक्यूल है यह सेरीन मॉलिक्यूल, ये सॉरी यह जो है वो एस्पेराजाइन। अब आप देखिए इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन ये टूटकर यहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब ये दोनों टूटकर बाहर निकलेगा तो क्या क्या हो जाएगा, यहां पर वाटर टूटकर बाहर निकल जाएगा, और ये जो N है वो सीधे किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से। अब देखिए नंबर वन और ये जो अमाइनो एसिड है उसके बीच में हमारा लिंकेज के लिए ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है, जल्दी बोलिए। नाइट्रोजन। देन दिस इज कॉल्ड N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह रहे हैं।